नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मोहन पारिक है और मैं ग्राम नौर में रहता हूँ जो रावगढ़ ब्लॉक में पड़ता है। तो आज आपको मैं अमृत पानी बनाने की विधि बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक मिट्टी का पुराना मटका चाहिए, एक कम से कम 15 लीटर पानी में आ जाए ऐसा हो। और इसके बाद में 10 लीटर पानी चाहिए, हमारा ये बाल्टी में पानी भरा है 10 लीटर। और 1 लीटर ये गौमूत्र है। इसके बाद में 1 किलो हमारा ये बेसन है। और इसके बाद में ये गाय का गोबर है 1 किलो, 100 ग्राम गुड़ है और अकाऊ की पत्ती है, इनको हमने काट ली बिल्कुल छोटी छोटी, 1 किलो ये है। और 1 किलो हमारी नीम की पत्तियाँ, इनको भी हमने काट लिए। अब ये सारी चीज़ों को आपको बताता हूँ इसको कैसे मिलाते हैं। सबसे पहले अपन मटके में 10 लीटर पानी डालेंगे। ये 10 लीटर हमारा पानी हो गया। मैं गोबर को अच्छी तरह से घोलेंगे। घोल लेना चाहिए, इसमें डिगरा नहीं रहना चाहिए फुटकी बिल्कुल भी, और ये बिल्कुल पानी की तरह घुल जाना चाहिए। ऐसे अभी गोबर घुल गया, अब इसमें ना ये भी इसी में डलेगा और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। पानी में डालेंगे तो ये घुल जाएगा जैसे मिसरा रहा वो। ये गौमूत्र है ये जो 1 लीटर, इसको भी इसी में मिला देते हैं। ये गुड़ क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि जब दवाई अमृत पानी डाल देते हैं इसके बाद अगर बारिश भी हो जाए तो ये निकलेगा नहीं, ये छिपकों का काम करेगा, ये फसल पे चिपकेगा। अब इसमें छोटी कटी हुई नीम की पत्तियां हैं, 1 किलो जो पत्तियां हैं इनको इसी में डालेंगे। सारी नीम की पत्तियां भी इसी में मिला दी। अब हमारी 1 किलो ये अकौआ की पत्तियां हैं, तो इनको भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली, ये भी इसी में डालना है। अब ये हमारा अमृत पानी के लिए पूरा घोल, पूरा मटेरियल इस तरह का तैयार हो गया। तो हमारा ये पूरा मटेरियल मिलके तैयार हो गया। अब इसको अपन ने मिट्टी के बर्तन से ढकना है, क्योंकि यदि प्लास्टिक की पॉलीथीन से ढकेंगे तो ये भाप के कारण उसमें टूट के गिर जाएगी। तो इस पर ये ढक्कन लग गया। अब इसको अपन अच्छी तरह से मिट्टी से पैक करते हैं, क्योंकि इसमें से गैस भी नहीं निकलेगी। और इसको फिर अपन छाई में रखना है और 10 दिन से पहले इसको नहीं निकालना, लगभग 10 दिन में निकालेंगे। तो अपना ये अमृत पानी बनकर तैयार हो गया। ये छाई में रख दिया बिल्कुल, इसको ये छाई में रखा रहेगा, ये पेड़ के नीचे बिल्कुल ठंडा ही रहती है। सही तरीका से ये यहाँ इसको रख देते हैं। अब इसको 10 दिन बाद निकालेंगे। अमृत पानी का छिड़काव सभी तरह की फसल एवं सब्जियों में कर सकते हैं अपन। छाया में रख रहे हैं बिल्कुल ऐसी छाया में, और इसको 10 दिन तक रखें और इसमें से 6 से 7 लीटर अमृत पानी आपको उपयोग के लिए मिलेगा। और इसको अच्छे कपड़े से छान लें, छानने के बाद ये फसल में डालने योग्य हो जाएगा। कि सभी तरह की फसल सब्जियों में किया जा सकता है छिड़काव के। इसमें है कि जैसे अमृत पानी का उपयोग अपन सभी तरह की फसल में कर सकते हैं एवं सभी सब्जियों में कर सकते हैं। 150 मिली लीटर प्रति पंप में 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, और अच्छे परिणाम के लिए हर 15 दिन पर इसका छिड़काव करें। तो इसके लिए फसल को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और अच्छे लाभ रहेंगे, पौधों में अच्छी बढ़वार होगी, वृद्धि होगी, उत्पादन की बढ़ोतरी होगी। और साथ में इसके एक और फायदा है कि इसकी लागत कम हो जाएगी। 1 एकड़ में कम से कम 2 से 2500 रुपए की बचत होगी यदि कोई व्यक्ति घर पे अमृत पानी बना करके और छिड़काव करे तो। बिल्कुल उसका 2 से 2500 रुपए का लाभ
होगा। तो अमृत पानी बनाते समय थोड़ी सावधानी यही है कि मात्रा जो सामग्री है उनकी मात्रा सही होए। मैं एक बार आपको दोबारा से पूरी चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो 15 लीटर का मटका होना चाहिए मिट्टी का, और उसमें 10 लीटर पानी होना चाहिए, 1 लीटर गाय का गौमूत्र होना चाहिए, 1 लीटर 1 किलो गाय का गोबर होना चाहिए, 1 किलो बेसन होना चाहिए, 100 ग्राम गुड़ होना चाहिए, और 1 किलो अखुआ की पत्ती छोटे टुकड़ों में तोड़ के डालना चाहिए, और 1 किलो नीम की पत्ती। इनको दोनों तीनों को बिल्कुल काटना चाहिए। फिर इसको बढ़िया मटके में अच्छी तरह सभी चीज़ों को मिला लेना चाहिए। मिलाने के बाद में इसको पॉलिथीन से ना ढाके, इसको मिट्टी या खपराई का जो इस चीज़ से ढक दें और उसको मिट्टी का लेप कर दें तो उसका गैस नहीं निकले। 10 दिन के बाद में बढ़िया कपड़े से इसको छान लें। छानने के बाद 6 से 7 लीटर अमृत पानी अपन को मिलेगा, और इसको अधिक दिन ना रखें, 15 दिन के अंदर ही उसको उपयोग कर लें। तो इस अमृत पानी को स्टॉक में कम से कम 6 महीना से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, 6 महीना के अंदर ही पूरा इसको छिड़काव कर देना चाहिए। अब इसके लाभ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अमृत पानी बनाने से तो क्या है कि जैविक पूरी चीज़ इसमें जैविक है, और कम से कम दूसरे को ना लाभ दें, मतलब जैविक बना के नहीं पहुंचा पाए, कम अपने खुद के लिए तो सब्जी में फल में इनमें डाल सकते हैं। इसके अलावा पैसा की भी बचत है कि बाज़ार से यदि आप खरीदोगे तो 1 एकड़ के लिए 2 से 2,500 रुपये की दवाइयाँ डाल देते हैं, तो कम से कम घर पे बनाओगे तो इसकी बचत होगी। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि जैविक खाद बनाइए, जैविक अमृत पानी बनाइए, और अपने एक तो खुद का क्या है कि पैसे की बचत है, और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। अपने घर में साग सब्जी खाने लायक लगाएं, फसल लगाएं, उसमें भी डालें और बढ़िया इसको इस्तेमाल करें। बस यही, धन्यवाद है आपके लिए।